ISSB में आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल टेस्ट कौन सा लगा? जो पार्ट मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट था ISSB में और इसकी ट्रेनिंग में भी, वो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स ही थे। मुझे याद है जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑब्स्टेकल्स किए तो मेरे से दो ऑब्स्टेकल्स भी अच्छे से नहीं थे हुए, क्योंकि मेरा स्टैमिना भी इतना नहीं था, मेरी फ़िज़िकल रूटीन भी इतनी अच्छी नहीं थी। बट फिर मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की। सर इस्माइल ने मुझे बोला कि आप कर सकती हैं, यू कैन डू दिस, सो आई टुक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और उसके बाद मुझे याद है जब मेरी ISSB हुई भी थी तो वहाँ पे भी मैंने बहुत गंदे तरीके से ऑब्स्टेकल्स किए थे। उन्होंने जब हमें सेलेक्ट करा सब कैंडिडेट्स में से फॉर इंटरव्यू और ये ऑब्स्टेकल्स, तो मुझे ये था कि शायद मेरे ऑब्स्टेकल्स दोबारा कंडक्ट किए जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं हुए। अगले दिन जब मैं उठी तो उसके बाद जब मैंने अपना रिकमेंडेशन के बारे में, जो मेरी वेबसाइट पर मेरा रिज़ल्ट था, मैंने वो पढ़ा और जब मैंने वर्ड रिकमेंडेड पढ़ा, कॉन्ग्रेचुलेशन्स पढ़ा, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी। मैंने अपनी मदर को बताया, अपने फादर को बताया, अपने सिबलिंग्स को बताया, दे वर ऑल ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो लेकिन ये कि इस रिकमेंडेशन के पीछे जो है, देर वॉज अ लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है, एक फेथ था खुद पर दैट यू कैन डू दिस, उसके अलावा आपके गाइडेंस थी पीछे, ठीक है। और आई अश्योर यू कि अगर ये सब कुछ आपके पास भी हो तो ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो डू दिस।